रुपेंजल और बेबी ड्रैगन। एक जमाने का जिक्र है, सात सुराख वाले पहाड़ की तीसरी गुफा में एक अंडा था जिसकी हिफाजत तीन छोटे गिलहरी भाई किया करते थे। ये अंडा एक ड्रैगन का अंडा था जो बस टूटने ही वाला था। ज्यादा दूर नहीं, फूलों से भरा हरी भरी घास की पहाड़ियाँ और शहजादी रुपेंजल की खूबसूरती से भरा हुआ एक शहर हुआ करता था। वो उस ड्रैगन को ढूंढ रही थी जिसके बारे में कैमिला चुड़ैल ने उसे बताया था। क्लैम्सी की मदद से उसने जादुई जंगल में उसे ढूंढना शुरू किया। कैमिला ने वादा किया था कि अगर क्लैम्सी ड्रैगन को हंसा सकती है तो वो फिर से इंसान बन जाएगी। रुपेंजल, मैं थक गई हूँ, क्या मैं तुम्हारे बालों पर आराम कर लूँ? रुपेंजल ने क्लैम्सी को लिया और फिर उसे अपने बालों में लगाया और वो चलना शुरू हो गई। जब वो चल रही थी तो जादू के जंगल में से एक उल्लू चुपके से उनका पीछा करने लगा। इसे लगता है कि जंगल में उल्लू बन के घूमना आसान है। और कुछ देर बाद उसने एक शहद की मक्खी को देखा। कुछ शहद की मक्खियाँ छत्ते के चारों तरफ घूम रही थी मगर ये खाली लग रहा था। क्या शहजादी शहद की मक्खी ने उस छत्ते को छोड़ दिया है? मुझे ऐसा नहीं लगता, वो देखो। रुपेंजल ने जो देखा उससे वो डर गई, क्योंकि वो रुपेंजल से तीन गुना बड़ी एक शहजादी शहद की मक्खी उसके सामने थी। मेरी प्यारी शहजादी मक्खी, हम सात सुराख वाले गुफा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सच में क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर? मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं रुपेंजल, चलो हम दूर हट जाएं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इन दिनों आपके पास बहुत सारा शहद हो। रुपेंजल और क्लैम्सी उस बड़ी सी मक्खी से बहुत जल्दी दूर हट गए। वो जिस रास्ते पर चले वहाँ उन्होंने बड़े अजीब से फूल देखे। रुपेंजल, वो स्नैप ड्रैगन फूल है ना? वही है ना? ये वही है। स्नैप ड्रैगन फूल, वो तो अपना मुंह खोल सकते हैं। क्लैम्सी, अगर हम खामोश रहें तो वह हमें कुछ नहीं करेंगे। पर वो सारे फूल ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो सो रहे हों। रुपेंजल और क्लैम्सी आराम से और खामोश कदमों से चलने लगी, लेकिन तभी रुपेंजल ने क्लैम्सी के मुंह को अपने बालों से ढककर चीख को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लैम्सी के जोर से चीखने की वजह से उन फूलों में से एक जाग गया। उस फूल ने अपनी गर्दन को रुपेंजल की तरफ बढ़ाया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या करना है। वो डर की वजह से चुप हो गए। फिर उस फूल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और वो रुपेंजल को निगलने ही वाला था। और उसने अपने बालों को एक भारी पत्थर की तरफ फेंका और उसे जोर से पकड़ लिया और फिर उसे उस फूल के मुंह में फेंक दिया। उस फूल को उस पत्थर को निगलना पड़ा और रुपेंजल ने बाकी फूलों के बीच में से चलना शुरू कर दिया। बाकियों ने हलचल को सुना और जागने लगे। क्लैम्सी और रुपेंजल थक गए, लेकिन कम से कम वो लोग जानलेवा फूलों से बच गए थे। और फिर उन्हें सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक इसे देखने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि इस पहाड़ के अंदर सात गुफाएं हैं। मुझे लगता है कि हमने कैमिला वाली गुफा को ढूंढ लिया है। ड्रैगन आस पास ही होना चाहिए। रुपेंजल ने पहाड़ पर एक पत्थर को देखा और उसने अपने लंबे मजबूत बाल ऊपर फेंक दिए। बालों ने खुद को पत्थर की चोटी पर लपेटा
इसलिए क्लेम्सी और रैपंज़ेल इसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। जब वो तीसरी गुफा में पहुंची तो उन्होंने तीन छोटे गिलहरी भाइयों को देखा। ये कितने प्यारे हैं। हेलो नन्हे गुलहरी भाइयों, मैं रैपंज़ेल हूँ। क्या आपने यहाँ किसी ड्रैगन को देखा है? रैपंज़ेल, तुम उनसे ऐसे नहीं पूछ सकती, वो डर जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। हेलो नन्हे गिलहरी, क्या आपने यहाँ बहुत ही प्यारे ड्रैगन को देखा है? गिलहरी भाइयों ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो गुफा में चले गए। सोचा नहीं था कैसे बात बन जाएगी। क्लेम्सी पहले छोटी गुफा में गई, लेकिन वो एक छोटे से पत्थर से फिसल गई और गुफा में दाएं ओर चली गई। वो किसी चीज से टकरा गई और ये हरे रंग का था। ये बेबी ड्रैगन था। हाय। क्लेम्सी डरी हुई थी और वो ये नहीं जानती थी कि उसने क्या करना है, इसलिए वो बेबी ड्रैगन के पूंछ पर कूद गई। बेबी ड्रैगन चीखने लगा। हमने उसे ढूंढ लिया, जिसके बारे में कैमिला बात कर रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये। जब रैपंज़ेल खुशी में झूम रही थी तो क्लेम्सी ने सोचा कि उसे ड्रैगन की पूंछ पर नहीं बैठना चाहिए। ड्रैगन नीचे झुक गया क्लेम्सी को करीब से देखने के लिए। मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता। नहीं, मुझे यकीन है कि वो करता है, लेकिन मसला ये है कि उसे जताना नहीं आता। यही बात है ना ड्रैगन। रुको, हम तुम्हें एक नाम देते हैं, ड्रेडो। कितना प्यारा है ना? तुम उसकी अच्छी दोस्त बन सकती हो क्लेम्सी। याद रखो, हमें तुम पे उसको हंसाना है। लेकिन बेबी ड्रैगन को क्लेम्सी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसने उसकी पूंछ को चोट पहुंचाई थी। इसलिए खुद को मजेदार दिखाने के लिए क्लेम्सी रैपंज़ेल के बालों को बिखराने लगी। लेकिन इससे बेबी ड्रैगन को बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। इसके बाद क्लेम्सी ने एक पत्ते से ड्रैगन को बनाने की कोशिश की। उसने इस बार बहुत मेहनत की, लेकिन वो ड्रैगन की बजाय ऊंट की तरह दिखने लगा। पर अभी भी बेबी ड्रैगन को हंसी नहीं आ रही थी। शायद वो भूखा है और हंसने के मूड में नहीं है। क्लेम्सी, ड्रैगन क्या खाना पसंद करते हैं? ड्रैगन फ्रूट। हाँ, सही। तो चलो हम तुम्हारे लिए कुछ ड्रैगन फ्रूट ढूंढते हैं, उसके बाद तुम मेरे महल में चलो। बेबी ड्रैगन को रैपंज़ेल बहुत पसंद आने लगी और वो उसके साथ महल की तरफ चल पड़ा। लेकिन अभी भी उनको उल्लू चुपके से देख रहा था। ये भयानक चुड़ैल ज़ीनिया का दोस्त था। उल्लू को सबसे ज्यादा ताकतवर चुड़ैलों ने जासूसी करने के लिए भेजा था। कैमिला, ज़ीना, हेला और वेगा। उसने ड्रैगन के बारे में कैमिला को सब खबर दी। उन्होंने उस ड्रैगन को ढूंढ लिया है जिसको तुम नहीं समझती थी कि वो वहाँ है। लेकिन ये नामुमकिन है, मैंने ड्रैगन के बारे में झूठ कहा था, ये कैसे हो सकता है? तो रैपंज़ेल के पास अब एक ड्रैगन है? हाँ, यकीन नहीं होता। देखो, वक्त पर बात मत करो, हम चारों को शहजादियों को हराने के लिए एक प्लान बनाना होगा। जरा भी वक्त को जाया किए बगैर। रैपंज़ेल और शहजादियाँ। एक जमाने का जिक्र है, सर्दी के मौसम में सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक चुड़ैलें एक साथ आईं, कैमिला, ज़ीनिया, हेला और वेगा। और मैं क्या हूँ, मुझे मत भूलो। और उनका तेज उल्लू। उनका मकसद था दुनिया में हर रहमदिल शहजादियों को हरा कर बुराई को पूरी दुनिया में फैला देना। एक खूबसूरत दिन रैपंज़ेल महल के बागीचे में तरबूजों की तस्वीर बना रही थी। ये तरबूज कितने अच्छे लगते हैं, है ना क्लेम्सी? मैं शर्त लगाती हूँ कि ये इतने ही मजेदार भी होंगे।
तो क्लैप्सी तरबूज को खाने के लिए बागीचे में गई, लेकिन तभी अचानक उसके सामने बेबी ड्रैगन आ गया। उसने उसे अपनी बुरी नजर से डरा दिया। बेचारी क्लैप्सी डर गई और डर के मारे वो तरबूज में गिर गई। क्लैप्सी! उसकी इस हरकत ने रैपंज़ेल को हंसा दिया, लेकिन बेबी ड्रैगन अभी भी जरा सा भी उस पर नहीं हंसा। उस बड़े तरबूज को देखो, वहाँ पर क्या हो रहा है? रैपंज़ेल के बनाए हुए तरबूजों में से एक तरबूज बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक वो घर जितना बड़ा नहीं हुआ। रैपंज़ेल, ड्रैगन और क्लैप्सी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था जो उन्होंने देखा। क्या तुमने वो देखा जो अभी हुआ? चलो अंदर चल के देखें। जब रैपंज़ेल और क्लैप्सी अंदर गए, उन्होंने तरबूज के बीच से सजी हुई दीवारों के साथ एक छोटा कमरा देखा और साथ ही एक बहुत बड़ी खूबसूरत किताब। शहजादियों की किताब? आपके अलावा यहाँ और भी शहजादियाँ हैं रैपंज़ेल? ऐसा लगता तो है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। जिस भी शहजादी को ये किताब मिले वो इसे ध्यान से पढ़े, ताकि आप जान पाएं कि कौन सी राजकुमारी कहाँ रहती है, जिसे जरूरत के वक्त काम आ सके। बाकी शहजादियाँ? जब सभी शहजादियाँ एक साथ आती हैं, तो वो ये सीखेंगी कि वो कितनी ताकतवर हैं। जल्द ही आने वाले वक्त में शहजादियों और चुड़ैलों के बीच एक जंग होगी, लेकिन कौन जीतेगा? जब तक आप पढ़ना खत्म करते हैं तब तक आपके पास इतना वक्त नहीं होगा कि आप सभी लोगों को ढूंढ सकें। पहले सिंड्रेला का पता लगाएं, उसके बाद बाकी सबका। और याद रखना, रहम दिल वो होते हैं जो आपस में मिल जाएं। रैपंज़ेल ने ड्रेडो को वो सब बताया जो किताब में लिखा था और उसे सिंड्रेला को ढूंढने के लिए कहा। बेबी ड्रैगन ने ये काम संभाला और जल्द ही बहुत दूर उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो मोज़रेला और चेडर नामी दो चूहों से मिलने के लिए पहुंचा। उसने उसे रैपंज़ेल की बातों के बारे में बताया और ये कि शहजादियों को लाइट हाउस के नीचे मिलना था। मोज़रेला और चेडर सिंड्रेला को बताने के लिए भागे और सिंड्रेला बाकी शहजादियों को बताने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो जादू के जंगल से गुजरी, उसने फ्रैकेंट को देखा जो ब्लैकबेरीज उठा रही थी। हे फ्रैकल, स्नो वाइट को बताओ कि हमें लाइट हाउस के नीचे मिलना है। तो फ्रैकेंट स्नो वाइट को बताने के लिए पहुंच गई और जब स्नो वाइट चली गई, उसने देखा कि सीगल रिंगो उसके ऊपर उड़ रहा है। उसने उसे बुलाया। हे रिंगो, रिंगो, तुम्हें मरमेड आरिया को बताना है कि सभी शहजादियों को लाइट हाउस के नीचे मिलना है। तो सीगल रिंगो ने जो सुना था वो बताने के लिए उड़कर समुद्र के पास बने महल की तरफ चल पड़ा, लेकिन जल परी महल में नहीं थी, इसलिए रिंगो पानी के बीच में खड़े होकर चीखने लगा। डॉल्फिन, जिसने रिंगो की आवाज सुनी, लहरों के बीच में से दिखाई दी। रिंगो ने डॉल्फिन को सीधे जलपरी के पास जाने को कहा और स्नो वाइट की खबर देने को कहा। तब पानी के नीचे वाले शहर में जाने के लिए डॉल्फिन ने छलांग लगाई और जलपरी से कहा जो उसने सुना। जैसे ही जलपरी को उसकी बात समझ में आई कि क्या चल रहा है, वो जल्दी से समुंदर से निकलकर लाइट हाउस की तरफ चली गई। जब जलपरी पहुंची तो उसकी पूंछ पैरों में बदल गई और वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच गई जहां सारी शहजादियां इकट्ठी हुई थीं। हाय, मैं जलपरी आर्या हूं। तो जरूर आप सब बाकी शहजादियां हो। आर्या, खुशामदीद, मैं रैपंज़ेल। मैं स्नो वाइट हूं। और मैं सिंड्रेला हूँ। देखो अब हम एक साथ हैं। उन्होंने तब तक बातें की जब तक सूरज नहीं आ गया और एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाई।
रात खत्म होते ही जब समुंदर में लाइट हाउस रोशन हुआ, शहजादियां अपनी अपनी ताकत के लिए जंगल में चली गईं। ये दुनिया भर में बुराई फैलाने वाली चुड़ैलों को सबक सिखाने का वक्त है। सही कहा, हमें तैयार रहना चाहिए। सिंड्रेला ने बाकी शहजादियों को जानवरों से बातें करने की कला के बारे में बताया। हाँ, यानी आप मेरे छोटे दोस्त ग्रेडो से बात कर सकती हैं। एक ड्रैगन? कमाल है, कितना मजेदार है। तभी ड्रेडो सामने आया। हेलो ड्रेडो, क्या आप मेरी जबान बोल सकती हैं? हाँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। वाह, तुम सच में जानवरों से बात करती हो। तो आपकी ताकत क्या है जलपरी आर्या? मैं आपको यहाँ से हर चीज दिखा सकती हूँ। जलपरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को एक साथ रखा। अपने चारों तरफ बिखरी रोशनी के साथ उसने सभी शहजादियों को हवा में उठा लिया। शहजादियाँ इस ताकत से बहुत हैरान हुई। जलपरी ने उन्हें फिर उतार दिया, लेकिन सिंड्रेला ने अपना होश खो दिया और उसके पैर में चोट लग गई। मेरा टखना, मेरे टखने में दर्द हो रहा है। स्नो वाइट ने अपने दोनों हाथों से सिंड्रेला के टखने को छुआ और अपने हाथों के बीच की गर्मी के साथ, ये शानदार है स्नो वाइट, मेरा टखना ठीक हो गया, मैं खड़ी हो सकती हूँ और ये मेरी सुपर पावर है। अपने हाथों से मैं किसी भी चोट को ठीक कर सकती हूँ। आखिर में रुपेंसल ने अपने बालों से कुछ बात की और उन्हें आसमान तक उड़ा दिया। उसके सुनहरे चमकदार बाल चार पर में बदल गए। हर एक पर एक राजकुमारी के सर पर ऐसे ढक गया जैसे कि सोने की मिट्टी हो। फिर सभी हिस्से फिर से एक हो गए और वो एक रास्ता बन गया जिससे शहजादियां पार कर सकती थी। मेरी ताकत ये है कि मैं अपने बालों को कोई भी काम दे सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। स्नो वाइट, जलपरी, सिंड्रेला और रुपेंजल को लगा उनकी ताकतें मिलकर भयानक चुड़ैलों को हरा सकती हैं। तो एक तरफ चार अच्छे दिल वाली शहजादियाँ थी और दूसरी तरफ चार पत्थर दिल वाली चुड़ैले थी। मैं क्या हूँ, मुझे मत भूलो। और एक शैतान उल्लू। लेकिन याद रखना उल्लू, परियों की कहानी में हमेशा अच्छाई बुराई का सामना करती है। रुपेंजल और शहजादियाँ, चलो भाई मैं तो चला, और भयानक चुड़ैले। एक जमाने का जिक्र है यहाँ से बहुत दूर, एक रात जहाँ स्काई लैंटर्न्स आसमान में उड़ रहे थे, रुपेंजल, स्नो वाइट, जलपरी और सिंड्रेला चारों शहजादियाँ लाइट हाउस के नीचे थीं। हर एक ने दुनिया की बेहतरी की दुआ की और फिर सूरज तुलू हो गया। रुपेंजल की छोटी दोस्त क्लेम्सी सभी शहजादियों से पहले उठी और मीठी चेरी लेने के लिए जादुई पेड़ की तरफ चल पड़ी। चेरी इतनी खूबसूरत लाल और चमकदार थी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और पूरी टोकरी खा गई। ये तो बहुत मजेदार है। तभी क्लेम्सी ने एक हिरन के बच्चे को देखा जिसके पैर में चोट लगी थी और वो लंगड़ा कर चल रहा था। हेलो बेबी हिरन, ये क्या हुआ तुम्हें? मेरे साथ आओ, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हें ठीक कर सकता है। क्लेम्सी ने पलट कर देखा और आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी हिरन कुछ बदल गई
और उसकी आँखें चमकीली लाल हो गईं। लेकिन क्लैम्सी को इस बदलाव के बारे में पता नहीं चला और वो हिरन को स्नो व्हाइट के पास ले आई, क्योंकि स्नो व्हाइट के पास हर चोट को ठीक करने का जादू था। जब स्नो व्हाइट उस हिरन के बच्चे की चोट को ठीक करने के लिए आई तो मासूम सा दिखने वाला हिरन एक चुड़ैल में तब्दील हो गया। जब स्नो व्हाइट ने हेला को देखा तो वो बहुत डर गई। हेला, तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया? हेला ने अपना जादू शुरू किया और शहजादी की नीचे की जमीन फट गई और स्नो व्हाइट जमीन के अंदर जा गिरी। तुम सड़ोगी और बदसूरत बन जाओगी स्नो व्हाइट। इस दुनिया में मेरे अलावा कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। स्नो व्हाइट एक अंदरूनी जगह में गिरी और एक जेल में बंद हो गई। सारी शहजादियाँ उठ गईं और स्नो व्हाइट को जोर जोर से आवाजें देने लगीं और वो सभी उसकी तलाश में निकल पड़ीं। स्नो व्हाइट, तुम कहाँ हो? सिंड्रेला उसी जगह पर घूम रही थी जहाँ से स्नो व्हाइट नीचे गिरी थी। वो कुछ और कदम आगे बढ़ी ही थी और वो भी सीधा जेल में पहुँच गई। तभी जलपरी को समुद्र में से आती लहरों में से एक सी शेल भेजा गया और उसने इसे सुना। क्या वो उन्हें जमीन के नीचे ले गए? जलपरी ने वो समुद्री शैल वापस समुद्र को दिया और फौरन जादुई जंगल में चली गई। उसी वक्त रुपेंजल और क्लैम्सी भी वहीं पहुंच गईं, जहां से स्नो व्हाइट और सिंड्रेला गायब हुई थी। स्नो व्हाइट, तुम कहां हो? तुम कहां चली गईं? रुपेंजल, देखो, जब मैंने आखिरी बार देखा तो वो यहीं थी। और उसका इतना बोलते ही जमीन फिर से फटी और सिर्फ रुपेंजल अंदर गिर गई। जलपरी, जो कि उसकी तरफ भाग रही थी, उसको एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करके रुपेंजल को रास्ते में ही रोक लिया। रुपेंजल हवा के एक बुलबुले में आ गई और वापस जमीन पर आ गई। जब जलपरी रुपेंजल के पास पहुंची, तब भी जमीन फटी हुई थी और उसमें से आवाजें आ रही थी। कोई बचाओ, हमें बचाओ, हम यहाँ से निकल नहीं सकते। शहजादियों की आवाजें सुनकर रुपेंजल ने उनकी मदद करने के लिए अपने बालों को गड्ढे में डाल दिया। उसके बाल पकड़कर जलपरी नीचे पहुंची। हम आ रहे हैं, फिकर मत करो। आर्या, पीछे देखो। जब जलपरी देखने के लिए घूमी तो उसने वहाँ वेगा और हेला को देखा। वेगा, तुम यहाँ कैसे हो? शायद तुम मेरी ताकतों को भूल गई हो आर्या। जब आर्या को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तो वेगा ने अपने ऑक्टोपस हथियारों से उस पर अपना जादू करना शुरू कर दिया। आर्या ने खुद को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक कवच बना लिया। उसी वक्त जमीन के ऊपर रुपेंजल के बेबी ड्रैगन ड्रेडो ने ड्रैगन फल खाए थे और वो अब एक बड़ा ड्रैगन बन गया था। ये देखते ही रुपेंजल समझ गई कि ड्रेडो के अंदर बहुत ताकत आ गई है। ड्रेडो, हमारी मदद करो। ड्रेडो ने अपने पैर जमीन पर रखे। ये क्या चल रहा है? लगता है गुफा हम पे गिर रही है। ये क्या चल रहा है? हम तो जैसे गुफा में फंस जाएंगे। ये महसूस करते ही कि ये सही वक्त है, आर्या ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और जेल की सलाखों को खोल दिया और स्नो व्हाइट और सिंड्रेला को उससे बाहर निकाला। बेशक वो उससे बाहर आ गई थी, लेकिन शहजादियाँ अभी तक जंगल में ही थी। असल में वो अभी जंगल के बीचों बीच ही थी। जीनिया और कैमिला शहजादियों के बिल्कुल सामने खड़ी थी। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, मेरी प्यारी झाड़ू, एक पत्थर का दरिंदा बनाओ और इन शहजादियों को सबक तो सिखाओ।
कैमिला के जादुई झाड़ू ब्रूमी ने पत्थर के टुकड़े इकट्ठे करके उन्हें कैमिला के सामने रख दिया। वो पत्थर इकट्ठे होते ही जीनिया ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और उसे एक बड़े से पत्थर के दरिंदे में बदल दिया। पत्थर का दरिंदा शहजादियों की तरफ बढ़ने लगा उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। रैपंज़ेल ने अपने बालों को रस्सी की तरह फैलाया और पत्थर के दरिंदे के पैरों को एक साथ बांध दिया, लेकिन पत्थर का दरिंदा गिर गया था, पर वो मरा नहीं था। वो फिर से उठा और शहजादियों की तरफ भागने लगा। मैं उसे नहीं रोक सकती। जलपरी आर्या ने अपना जादू इस्तेमाल करके उस पत्थर को दूसरे शहर में भेजने की कोशिश की, लेकिन वो ये नहीं कर सकी। आह, ये बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकती। अब सिंड्रेला की बारी थी। उसने जंगल के सभी ताकतवर जानवरों को बुलाना शुरू किया। जंगल के जानवरों, मेरी आवाज सुनो। पत्थर का दरिंदा बस कुछ ही कदम दूर था और उन्हें चोट पहुंचाने ही वाला था कि तभी आसमान में ड्रैगन रेडो ने अपनी ताकत दिखाई। रेडो ने पत्थर के दरिंदे पे अपने मुंह से आग निकाल के फेंकी। पत्थर का दरिंदा अपना होश खो बैठा और जमीन पर गिर गया, लेकिन अभी भी उसे चोट नहीं लगी थी। तब रेडो ने एक बार फिर से उस पर अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर दी। तो पत्थर के दरिंदे ने अपने हाथ से एक टुकड़ा निकाला और ड्रैगन की तरफ फेंक दिया। जलपरी आर्या ने अपने जादू से उस पत्थर को रोक दिया और रेडो बच गया। रेडो इस सबसे बहुत परेशान हो गया। उसने पत्थर के दरिंदे को अपने पंजों में दबोचा और उसे लेकर चट्टान पर उड़ गया। उसने बहुत बहुत ऊंचाई पर जाकर उसे नीचे गिरा दिया और गिरते ही पत्थर का दरिंदा चकना चूर हो गया। ड्रैगन रेडो को पहाड़ियों में देखा जा सकता था। चुड़ैलें शहजादी और ड्रैगन की ताकत को देखकर इतना डर गईं कि वो जल्दी से वहां से भाग निकली। तुम हमें नहीं डरा सकती क्योंकि हम सब एक साथ हैं। हमारे पास है जानवर, ड्रैगन और ताकतें, और थोड़ा सा प्यार सब कुछ बदल देता है। और फिर सभी शहजादियाँ ड्रेडो के ऊपर चढ़कर समुद्री लाइट हाउस की तरफ चल पड़ी। अच्छाई ने एक बार फिर से बुराई को हरा दिया था, लेकिन असल में मायने रखता है बुरे लोगों को अच्छाई सिखाना। रैपंज़ेल और गायब होते रंग। एक जमाने का जिक्र है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था रैपंज़ेल। उसके बाल बहुत लंबे थे। एक दफा जब वो सो रही थी, उसके बाल कमरे से बाहर जाने लगे। सुबह के वक्त जब वो उठती, वो अपने शीशे की तरफ जाती ताकि वो अपनी दोस्त से बात कर सके, जो था उसका हेयर क्लिप। सुबह बखैर क्लैप्सी, क्या तुम रात में ठीक से सोई? असल में मुझे अभी और नींद की जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ बाग में जाना पसंद करोगी? सूरज भी तुलू हो चुका है और हम दोनों बाग में चलकर चेरीज लाते हैं। रैपंज़ेल, तुम अकेले जाओ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ठीक है। रैपंज़ेल ने अपनी दोस्त क्लैप्सी को वापस रखा और वो बाग में चली गई। वहाँ पे चेरी का पेड़ था। वो बहुत ही खूबसूरत पेड़ था और वो रैपंज़ेल को भी बहुत पसंद आया। रैपंज़ेल ने अपने बालों का इस्तेमाल किया और वो पेड़ पर चढ़ गई और एक मजबूत लकड़ी पर बैठ गई और उसने वो चेरीज खाना शुरू की। उसका बहुत अच्छा दोस्त ड्रैगन उसके सामने आया। वो उड़ रहा था। ड्रेडो, देखो मैं यहाँ नीचे हूँ। मैं यहाँ हूँ।
ड्रेडो रुपेंजल के पास आया। वो जमीन पर बैठ गया लेकिन वो बहुत उदास दिख रहा था। क्या हुआ ड्रेडो, तुम इतने उदास क्यों हो? ड्रैगन ने एक फूल निकाला और रुपेंजल को दिया। फूल तो हमेशा रंग बिरंगे होते हैं लेकिन ये फूल बिल्कुल काला और सफेद था। पर ये बहुत अजीब है, मगर फूल तो हमेशा रंग बिरंगे होते हैं लेकिन ये फूल इतना बीमार और मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? ड्रैगन ने अपने सर से उसे एक घास दिखाई। जब रुपेंजल नीचे झुकी और उसने देखा कि हरा रंग अचानक से सफेद होता जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ अंदर घास में कुछ खतरनाक चीज है? और फिर बहुत सारी चेरीज पेड़ से नीचे गिरने लगी और जैसे ही वो नीचे गिरी उनका ताजा रंग लाल अचानक से सफेद हो गया। नहीं, अगर हम ये मालूम नहीं कर पाए सब क्यों हो रहा है तो जंगल की सब खूबसूरती खत्म हो जाएगी। रुपेंजल सोचने लगी कि इसको कैसे ठीक किया जाए, लेकिन जंगल में चुड़ैल कैमेला जो टावर के ऊपर रहती थी वो एक खौफनाक जादू कर रही थी। ब्रूमी ब्रूमी, मेरे प्यारे ब्रूमी, क्या तुमने देखा नहीं कि इस जादू की वजह से रुपेंजल को क्या हाल है? उसकी जादुई छड़ी ब्रूमी भी उससे डरती थी। कैमेला, माना कि तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी कर रही हो, लेकिन ये जादू अगर तुम्हारे बालों पे असर कर गया तो तुम्हारे इतने खूबसूरत बालों का तो कलर ही चला जाएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, हम लोगों को कुछ नहीं होगा। चलो अब टाइम हो गया इसमें सुनहरी बॉल डालने का। जैसे ही कैमला ने गोल्डन बॉल्स उसके अंदर डाली, ब्रूमी ब्रूमी बाहर देखने लगी और उसने जंगल को देखा। पूरा जंगल अपने रंग को खो रहा था। पत्ते, पेड़ और यहाँ तक के कुछ कीड़े भी। कैमेला खिड़की में आई और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, तुम देखना बहुत जल्द रुपेंजल मेरे पास आ जाएगी, और जब वो मेरे पास आएगी जो तुम मेरे हाथ में ये जादुई बोतल देख रहे हो ना, हम उसे ये जादुई चीज पिलाकर उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे। उस चुड़ैल ने रुपेंजल के आने का इंतजार किया। रुपेंजल अपने रास्ते में थी अपनी दोस्त क्लैम्सी के साथ। क्या तुमने देखा क्लैम्सी, देखो क्या हाल हुआ है इस जंगल का, सूरज का रंग भी गायब हो रहा है। मुझे यकीन है कि ये सब कैमेला ही कर रही है। ओ, बहुत अफसोस, जंगल को इस तरह देखना बहुत ही अजीब लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि कैमेला हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, हम अपने आप को खुद महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, तुम सही कह रही हो रुपेंजल। थोड़ी देर और चलने के बाद रुपेंजल और क्लैम्सी उस टावर पे आए जहाँ पे चुड़ैल रहती थी। कैमेला, कैमेला! अंदर से कैमेला को रुपेंजल की आवाज आई और वो जान गई कि रुपेंजल आ गई है। तुमने देखा ब्रूमी, वो रुपेंजल मेरे जाल में फंस ही गई। जाओ, जाकर उसको मेरे पास लेकर आओ। ब्रूमी ब्रूमी खिड़की से बाहर निकली और सीधा रुपेंजल के पास आ गई। वो कैमेला ने आपको बुलाया है। रुपेंजल उसके ऊपर बैठ गई और वो उस चुड़ैल के पास जाने लगी। खुशामदी सुनहरे बालों वाली शहजादी, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आई। कैमेला, जंगल के सब रंग एक एक करके गायब हो रहे हैं, अगर ये सब तुम कर रही हो तो इसे फौरन रोक दो। कैमेला, रुक जाऊं? तुम दहकती हुई देख को देख रही हो और ये जब तक दहकती रहेगी जब तक सारी दुनिया से हर कलर मिट नहीं जाता। रुपेंजल उस उबलते हुए जादू के पास गई
नहीं नहीं, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कैमिला उसके पीछे आई और उसने वो जहर उसके बालों में डाल दिया। नहीं नहीं, रुको! अचानक रुपेंजल के सुनहरे सोने के बाल अपना रंग खोने लगे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे बाल! जादुई जहर ने अपना काम कर लिया था, लेकिन कैमिला के बाल सुनहरे और बड़े होने लगे। आज से, बल्कि अभी से तुम्हारे सारे सुनहरी बाल हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। और फिर रुपेंजल जाग गई। उसने इतना बुरा ख्वाब पहले कभी नहीं देखा था। नहीं, नहीं, मेरे बाल! रुपेंजल, क्या हुआ? सुबह हो चुकी है, उठो। और ये सब एक ख्वाब था। क्या सुबह हो चुकी है? ओह! रुपेंजल अपने बेड से उठी और उसने खिड़की के बाहर देखा। सबके रंग अपने जैसे थे। जंगल पूरा हरा था और सूरज चमक रहा था। मैंने एक बहुत ही डरावना ख्वाब देखा क्लैप्सी। पूरे जंगल के रंग एक एक करके गायब हो रहे थे, फूल, घास और पेड़। उसके बाद चुड़ैल कैमिला ने मेरे बालों का रंग सफेद कर दिया। ओह, ये सब कुछ असल थोड़ी ना था, ये तो एक ख्वाब था। उसके भयानक ख्वाब के बाद रुपेंजल अपने बाग में बैठी और सारी खूबसूरती को देखने लगी। उसने अपने ब्रश में अपने पसंदीदा रंग भरे और उसने इस जंगल की तस्वीर बनाना शुरू कर दी। लेकिन उसको पता नहीं था कि कैमिला की साजिश अभी भी चल रही है। हाँ। तो अब मैं तुम्हारे सारे ख्वाबों को कंट्रोल कर सकती हूँ और तुम्हारे ये सुनहरी बाल हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे।